हाँ फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल साइंस स्किल। फिर से लाया हूँ नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट साइंस का 25 क्वेश्चन का, नेवी SSR-AA-MR का। तो चलिए शुरू होते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दिया जाए तो उसके बीच लगने वाला बल कितना हो जाएगा। तो दूरी चूँकि दोगुना कर रहे हैं तो उसका व्युत्क्रम होता है, तो 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4 गुना हो जाएगा, यानी 1/4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है। तो आवेशित चालक के सतह पर हमेशा लंबवत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है। तो पहला और दूसरा दोनों सही है। धातु मिश्र धातु की प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, बहुत कम हो जाती है। धातु एवं मिश्र धातु की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। और दूसरा क्वेश्चन है, विद्युत रोधी पदार्थों की प्रतिरोधकता सर्वाधिक होती है। तो ये दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट है, धारा घनत्व क्या होता है। तो धारा घनत्व एक सदिश राशि है। हम हमेशा बोल रहे हैं कि वेक्टर स्केलर को एक बार उसका एग्जांपल देख लीजिए, कौन कौन वेक्टर में आता है, कौन स्केलर में आता है। नहीं तो सीधा कॉन्सेप्ट है जो उसको आप समझ सकते हैं। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है। तो 3.6×10^6 जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का बीमा क्या होता है। तो MLQ×-3I-2 होता है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का बीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की वृत्तीय गति में यदि भी तथा आर क्रमशः चाल एवं वृत्त की त्रिज्या है तो कौन सा रिलेशन सही है। तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर, किसी धारावाही परिनालिका के किनारों पर चुंबकीय क्षेत्र का मान केंद्र पर के मान की अपेक्षा कितना होता है। तो केंद्र पर के मान की अपेक्षा हमेशा आधा होता है। निम्न में से कौन अनुचुंबकीय है। तो सोडियम एक अनुचुंबकीय पदार्थ है, सोडियम जो है अनुचुंबकीय का एग्जांपल है, तो सोडियम राइट आंसर हो जाएगा। कोबाल्ट किस में आता है। तो कोबाल्ट एक लौह चुंबकीय पदार्थ है, तो इसलिए कोबाल्ट को लौह चुंबकीय में रखा गया है। ध्रुवों का नमन कोण, इसके पिछले वाले सेट में भी हम लोग देखे थे। तो ध्रुवों का नमन कोण यानी कि एंगल ऑफ डिप 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय आम्योतर और भौगोलिक आम्योतर से बना कोण क्या कहलाता है। तो इसको बोला जाता है दिक्पात। चुंबकीय आम्योतर और भौगोलिक आम्योतर के बीच से बना हुआ क्या उसको बोलते हैं, दिक्पात बोला जाता है। गामा किरणों की आवृत्ति कितनी होती है। तो 5×10^22 से 3×10^19 हर्ज होती है। 5×10^22 से 3×10^19 होती है गामा किरणों की आवृत्ति। विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रायोगिक रूप से प्रदर्शित सर्वप्रथम किसने किया। विद्युत चुंबकीय तरंगों को प्रायोगिक रूप से सर्वप्रथम किसने प्रदर्शित किया, तो हर्ट्ज ने। और आवृत्ति का एसआई मात्रक भी हर्ट्ज ही है, तो दोनों चीज़ें याद रखिए। नेक्स्ट है, 7 माइक्रोकूलम के आवेश से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युतीय क्षेत्र का मान कितना होता है। तो 7×10^7 N/कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर कार के साइड मिरर किस रूप में उपयोग किया जाता है। तो उत्तल दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कहाँ कैसा बनता है, तो हमेशा वस्तु से छोटा बनता है। उत्तल में वस्तु से हमेशा छोटा बनता है और अवतल में बड़ा बनता है। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, 6000 एंगस्ट्रम तरंग दैर्ध्य का यानी कि लैम्डा का वैल्यू दिया है। एक वर्णी प्रकाश निर्वात से अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करता है, इस माध्यम में प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना है। तो लैम्डा का वैल्यू निकालना है 4000 एंगस्ट्रम, इसका राइट आंसर होगा। कोणीय वेग के लिए सही समीकरण क्या है। तो कोणीय वेग के लिए तीनों फार्मूला सही है। W = θ/rv यूज करते हैं, ω = 2πn यूज करते हैं, और ω = 2π/T होता है। लेकिन अलग अलग केस में अलग अलग फार्मूला लगते हैं, तो कोणीय वेग का तीनों फार्मूला सही है। नेक्स्ट है, टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि उड़न काल का सूत्र कौन सा है। तो 2u sin θ/g प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है। तो 2u sin θ/g ऑप्शन नंबर सी सही है। कोणीय वेग अगर ओमेगा है, जड़त्व अघूर्ण अगर आई है, तो इसका गुणनफल क्या देता है। तो कोणीय संवेग होता है, यानी कि ओमेगा और आई का गुणनफल कोणीय संवेग होता है। अपकेंद्रण का उदाहरण कौन सा है। तो यहाँ तीनों ऑप्शन, दूध का से क्रीम निकालना अपकेंद्रण विधि द्वारा उपयोग होता है, वॉशिंग मशीन द्वारा कपड़े का सफाई ये भी अपकेंद्रण हुआ, और अपकेंद्रण पंप में भी अपकेंद्रण का, यानी कि उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भर करता है, एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भर करता है द्रव्यमान पर। बुद्धिमता यादाश्त का केंद्र होता है, यानी कि बुद्धिमता यादाश्त का केंद्र कौन होता है। तो माइंड का एक पार्ट है सेरिब्रम,
सेरिब्रम में बुद्धिमता याददाश्त का केंद्र होता है, यानी कि याद होता है, जो भी चीज़ें याद होती है तो सेरिब्रम से होती है। लौह अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाई जाती है? तो जितना भी लोहे की अयस्क है वो ऑक्साइड के रूप में प्राप्त होती है, जैसे फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। तो लोहे का जितने भी अयस्क हैं वो ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है, तो राइट आंसर इसका ऑक्साइड हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच मेरे वीडियो को देखने के लिए, बहुत बहुत